हेलो बेटा, हाउ डू यू डू। कैसे आप सभी? बढ़िया। मैं राजकुमार, आपका फ्रेंड, टीचर, गाइड। आज बेटा हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो, इसके पहले हमने क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। दिस यानी कोई बॉडी ऐसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रही है, हॉरिजॉन्टल। अब हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी बॉडी ऐसी घूम रही है वर्टिकल सर्कल में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो जब बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके टेंशंस के हम एक्सप्रेशंस फाइंड करेंगे। तो कैसे वो होते हैं, मतलब लोवेस्ट पोजीशन पे कितना टेंशन रहेगा, हाईएस्ट पोजीशन पे कितना रहेगा, मिडल पोजीशन पे कितना रहेगा, तो ये हमें डिफरेंट पोजीशन पे हमें टेंशंस फाइंड करने हैं। तो आइए, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको आप वी सी एम भी बोल सकते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये बेटा वो सर्कल, ओके, वर्टिकल सर्कल, ये उसका सेंटर ओ, ये रेडियस आर, ओके। अब ये मिडल पोजीशन बेटा, मिडल पोजीशन, अभी ये जो बॉडी है, बॉडी या पार्टिकल, उसकी ये अभी मिडल पोजीशन। अच्छा, यही रेडियस हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा, तो पार्टिकल अभी यहाँ पे है लोवेस्ट पोजीशन पे, तो ये लिए लोवेस्ट पोजीशन, ये रेडियस वही। अच्छा, ये रेडियस बेटा यहाँ, तो अब बॉडी यहाँ पे है, तो ये हाईएस्ट पोजीशन, ओके। और यहाँ पे ये फिर से रेडियस, ये रेडियस, ये भी वही है, मिडल पोजीशन। दिस एंड दिस सेम, दोनों मिडल पोजीशन है, ये लोवेस्ट पोजीशन, ये हाईएस्ट पोजीशन, ओके। तो बेटा ये अभी जो बॉडी है ये अभी वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, ओके। तो भी इसको हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया और ये यहाँ पे आई, ये मान लीजिए पोजीशन पी, तो ये रेडियस आर, ओके। तो एल से पी तक आई, तो यहाँ डेफिनेटली एक एंगल तैयार हुआ, थीटा एंगल, यस। तो अभी वो कहाँ, कौन से पोजीशन पे बेटा? पी पोजीशन पे है, ओके। तो जब वो बॉडी बेटा पी पोजीशन पे है तो उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो ध्यान दीजिए। तो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्सेस। एक तो उस बॉडी का खुद का वेट, वेट W, और वेट तो आपको मालूम बेटा W इक्वल टू एम जी, एम जी, W इक्वल टू एम जी। W यानी वेट ऑफ द बॉडी, M यानी उसी बॉडी का मास, और G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक फोर्स एक्ट होता है उस बॉडी पे, और दूसरा बेटा ये स्ट्रिंग में का टेंशन टी, टी मींस द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी मींस टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। सो अब दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो पहले तो हम मेंशन कर लेंगे कि भाई इस फिगर में क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यल, यल क्या है बेटा? तो आप बोलेंगे सर लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ओके। यम तो वो मिडल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ओके। एच तो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी, ओके। आर बेटा, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। ओ सेंटर ऑफ सर्कल, यस। पी एनी पोजीशन ऑफ द बॉडी,
ओके यस, थीटा, थीटा ये एंगल है बेटा ओएल और ओपी के बीच का, तो एंगल बिटवीन ओएल एंड ओपी, ओएल और ओपी के बीच का एंगल, ओके। डब्ल्यू ये बेटा वेट ऑफ द बॉडी, यस। एम मास ऑफ द बॉडी, जी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस ओके। और टी, टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोरा, स्ट्रिंग में का टेंशन, तो ये सभी पार्ट आ गया इसमें अभी। और मैं आपको बताऊं कि अभी ये बॉडी जो है कौन से पोजीशन पे है, पी पोजीशन पे है, ओके ठीक है। तो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक बोला ये वेट एम जी और दूसरा ये स्ट्रिंग में का टेंशन टी। अब ये जो वेट है बेटा एम जी, टेंशन हमारे पास इस डायरेक्शन में है और वेट बेटा इस डायरेक्शन में है, तो वेट जो इस डायरेक्शन में है बेटा ये इस डायरेक्शन में हमारे काम का नहीं है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करना यानी सेपरेट करना दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, यस। तो दो कंपोनेंट में कैसे उसको हम रिजॉल्व करेंगे, देखो तो एक ये कॉम्पोनेंट एक ये कॉम्पोनेंट, दो कॉम्पोनेंट बेटा देखो, और दोनों कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ओके। तो ये दो कंपोनेंट में हमने इस वेट एम जी को रिजॉल्व किया। अच्छा ये एंगल थीटा बेटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा। अब बोलेंगे सर कैसे, देखो ये टू पैरेलल लाइन और ये उनकी ट्रांसवर्सल, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा ये दोनों सेम, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा कौन से, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहते ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया रिजोल्यूशन का कि ये वेट कितना है बेटा एम जी, ओके। तो एम जी ने थीटा एंगल इसके साथ तैयार किया कि इसके साथ तैयार किया, तो आप बोलेंगे सर वेट एम जी ने थीटा इतना एंगल इसके साथ तैयार किया, इसके साथ, तो जिसके साथ एंगल थीटा तैयार होता है बेटा वो कॉम्पोनेंट कॉस के फॉर्म में होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। तो ये एम जी है तो ये क्या रहेगा बेटा कॉम्पोनेंट, ये रहेगा एम जी कॉस थीटा, ओके। और ये दूसरा जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली साइन के फॉर्म में रहेगा, यानी ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एम जी साइन थ्रीटा, ओके। तो एम जी वेट यानी एम जी के दो कंपोनेंट तैयार हुए बेटा एम जी कॉस थ्रीटा और एम जी साइन थ्रीटा। जैसे ही दो कंपोनेंट तैयार हुए वैसे ही इस एम जी का रोल खत्म हुआ, मैंने आपको बताया जैसे धीरूभाई अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन, तो फिर उनके बाद उनका बिजनेस किन्हों ने मतलब देखा, फिर तो उनके जो दो बेटे हैं मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी इन्होंने देखा है ना। तो इसी प्रकार से ये वेट एम जी, ओके। तो इस कंपोनेंट, इस एम जी को हमने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में, तो अभी ये पूरा जो मोशन जो है इसमें ये दो कंपोनेंट काम करेंगे एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, तो एम जी का रोल खत्म, एम जी का रोल खत्म। तो अभी आप यहाँ देखेंगे बेटा कि ये बॉडी तो सर्कुलर मोशन में गोल घूम रही है, तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, तो आप बोलेंगे सर सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स किधर डायरेक्ट होता है, तो आप बोलेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रिपेटल फोर्स CPF किधर डायरेक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब मेरा प्रश्न है कि ये सेंट्रिपेटल फोर्स जो उस बॉडी को चाहिए देगा कौन, तो कौन देगा बेटा, ये देगा टी, टी यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये देगा। लेकिन आप फिगर में देखेंगे इस टी को अपोज करने वाला भी एक कंपोनेंट है, कौन सा, एम जी कॉस थीटा। तो सेंट्रिपेटल फोर्स जो चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, ये टी,
और इसको अपोज करने वाला है एम जी कॉस थीटा, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो हम उस पार्ट में आएंगे, तो पहले हम मेंशन कर लेंगे ये दो कंपोनेंट। ओके, तो ये पार्ट के ये सेंटेंस हम मेंशन करेंगे कि वेट एम जी को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो यहाँ एट पोजीशन पी, हाँ इस पोजीशन पी पे बेटा द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे बेटा? तो आप बोलेंगे ये वेट एम जी आर, ये पहला वेट एम जी ऑफ द बॉडी, और दूसरा ये बेटा टी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी यानी ही टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, फिर मैंने बताया बेटा कि इस एम जी को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। तो वेट एम जी इज अ रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया बेटा, कौन से? एक लिखेंगे ए और दूसरा लिखेंगे बी। एक ये एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा जो कौन सी डायरेक्शन में है, टी के अपोजिट, एम जी कॉस थीटा अपोजिट टू टेंशन टी, और दूसरा ये बेटा एम जी साइन थ्रीटा, एम जी साइन थ्रीटा ये देखो एक्टिंग टूवर्ड्स एल, पॉइंट एल की तरफ एक्ट हो रहा है। ओके, तो अब जो बात मैंने ऑलरेडी आपसे की कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो उसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए गोल घूमने के लिए? ये चाहिए सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए। ये हमने यहाँ मेंशन किया कि भाई सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए। तो सेंट्रिपेटल फोर्स देगा कौन? वो देगा बेटा ये टेंशन टी, टी और उसको अपोज करने वाला, टी को अपोज करने वाला ये एम जी कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए, टू मूव द बॉडी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन सेंट्रीपेटल फोर्स यानी सीपीएफ सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी एंड इट इज गिवन बाय, और सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देता है बेटा? ये इज गिवन बाय टी माइनस एम जी कॉस थीटा। कौन दे रहा है बेटा ये सेंट्रीपेटल फोर्स? ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर ये माइनस एम जी कॉस थीटा क्यों? अगर ये एम जी कॉस थीटा नहीं होता बेटा यहां, तो सेंट्रीपेटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया होता? सिर्फ टी ने। हाँ, और एम जी कॉस थीटा आप देख रहे बेटा टी के अपोजिट है, अपोजिट टी के अपोजिट है, अपोजिट है, दैट्स वाई माइनस। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा ये प्रोवाइड कर रहा है वो सेंट्रिपेटल फोर्स जो बॉडी को चाहिए इस वर्टिकल सर्कल में घुमाने के लिए। सो देयरफॉर सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू कौन प्रोवाइड कर रहा है वो? टी माइनस एम जी कॉस थीटा। ओके, तो मैं ये माइनस एम जी कॉस थीटा इधर लेता हूं, तो क्या होगा फिर? सेंट्रिपेटल फोर्स ये प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू टी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर टी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टी वैसे ही बेटा, और सेंट्रीपेटल फोर्स आपको मालूम है कितना होता है? एम वी स्क्वेयर अपॉन आर,
हमने सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी देखा है, m यानी इस बॉडी का मास, v यानी उसकी स्पीड, और r यानी रेडियस सर्कल का, ओके प्लस ये वैसे ही mg cos थीटा। तो ये आ गया बेटा एक्सप्रेशन, इसको हम इक्वेशन वन बोलेंगे, इक्वेशन वन बोलेंगे। ये एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए? टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पोजीशन पी। तो यह मेंशन करेंगे दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट पोजीशन पी। जब बॉडी कौन से पोजीशन पे बेटा? पी पोजीशन पे, ओके ये आ गया, यस ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि हमने एक रैंडम पोजीशन पे तो टेंशन फाइंड कर लिया, अभी हमें तीन पोजीशन पे फाइंड करना है बेटा, और थ्री पोजीशन पे फाइंड करना है। तो कहाँ फाइंड करना है कि भाई पी पोजीशन पे तो टेंशन टी है, तो लोवेस्ट पोजीशन पे कितना रहेगा? ये लोवेस्ट पोजीशन पे, अच्छा टेंशन बेटा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है ऐसे हाँ। तो अगर ये मान लीजिए लोवेस्ट पोजीशन पे है तो टेंशन ये कितना रहेगा बेटा? टी और एल हाँ, उसके फुट पे, टी के फुट पे हमने एल लिखा, टी एल, टी एल का मतलब टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन, यानी बॉडी अगर यहाँ पे है तो टेंशन इन द लोवेस्ट पोजीशन कितना? टी एल। अच्छा बॉडी अगर घूमते हुए यहाँ पे आ गई मिडल पोजीशन पे तो टेंशन कितना रहेगा? टी और उसके फुट पे एम, टी एम, टी एम यानी टेंशन एट मिडल पोजीशन एम। और जब ये हाईएस्ट पे आएगा तो टेंशन कितना रहेगा बेटा? टी और उसके फुट पे एम, टी एम, टी एम। तो टी यानी टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन है, एम नहीं, एच है वो, टी एच, टी एच। और मैंने बताया आपको टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, देखो यहाँ भी पी पे था तो टुवर्ड्स द सेंटर, एल द सेंटर, हाईएस्ट पोजीशन है तब भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है मालूम है? अभी हमें ये टी एल, टी एम और टी एच फाइंड करना है, ओके ओके। तो पहले हम ये लेंगे लोएस्ट पोजीशन पे अगर स्ट्रिंग है तो भाई टेंशन क्या रहेगा, लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या रहेगा। सो ध्यान दीजिए फिर जल्दी, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ओके और ये भी हमने इरेज कर दिया, ओके ओके हाँ। तो अब बेटा लोएस्ट पोजीशन पे हाँ, तो ये पहली केस कि टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन एल, दिस टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन, ओके। तो अभी हमने एक्सप्रेशन मिलाया था किसका? टेंशन का। तो टेंशन का जो हमने, अच्छा उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब वो कहाँ पे है, लोएस्ट पोजीशन पे, कहाँ पे? लोएस्ट पोजीशन पे। तो मुझे बताइए कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, तो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, वो एक्सप्रेशन वन क्या था बेटा टेंशन का एक्सप्रेशन? तो हमारे पास था टी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थ्रेटा, ओके हाँ। तो ये एक्सप्रेशन था, तो अभी टी के जगह बेटा हम लोएस्ट पोजीशन पे है तो क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर टी के जगह अभी टी एल रहेगा, हाँ लोएस्ट पोजीशन के लिए तो टी के जगह टी एल, ओके। और जब पोजीशन पी पे था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा? वी। एक इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखिए, जब ये बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूमती है बेटा तो उसकी हर पोजीशन पे टेंशन यानी स्ट्रिंग में का टेंशन ये चेंज होते जाता है, और हर पोजीशन पे वेलोसिटी भी चेंज होते जाती है। दो बातें ऑलवेज ख्याल में रखो, टेंशन भी चेंज होते जाता है, देखो या पी पोजीशन पे टेंशन टी था, ओके मिडल पोजीशन पे टेंशन टी एम, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन टी एच, फिर लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन टी एल,
तो जब बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसका टेंशन हर पोजीशन पे चेंज होता है और उसकी स्पीड भी जो है वो भी चेंज होती है हर पोजीशन पे, और एंगल भी चेंज होता है। जैसे अभी पी पोजीशन पे है तो एंगल कितना था बेटा, ये थीटा। अच्छा, वही अगर लोएस्ट पोजीशन पे रहेंगी तो यही एंगल अभी लोएस्ट पोजीशन पे होने के कारण थीटा कितना रहेगा, जीरो। तो उस एक्सप्रेशन में हमें तीन चीज़ें चेंज करनी है। तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये टी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो तीन पोजीशन है देखो, तो टी के जगह देयर फोर अभी लोएस्ट पोजीशन के लिए टी के जगह बेटा टी एल टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। हाँ, एम यानी मास वैसे ही, और ये वी वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पे, तो वी एल वी के फुट पे ये एल। हाँ, वी एल स्क्वेयर वैसे ही और ये आर भी वैसे ही, प्लस ये एम जी कॉस थीटा की वैल्यू बेटा जीरो, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन पे है अभी तो उसने अपना मोशन ही शुरू नहीं किया, तो थ्रीटा कितना रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। तो इधर हम मेंशन करेंगे कि थ्रीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। ओके, तो कॉस जीरो आपको मालूम है, कॉस जीरो होता है बेटा वन, रखिए फिर उसमें वन। तो ये देखो ये आएगा टी एल इक्वल टू एम वी एल स्क्वेयर अपॉन आर प्लस ये एम जी और कॉस जीरो यानी वन। तो बेटा ये टी एल इक्वल टू एम वी एल स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी, ये आ गया बेटा एक्सप्रेशन, इसको हम इक्वेशन टू बोल लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ आया बेटा, ये एक्सप्रेशन आया टेंशन का जब बॉडी कहाँ पे है, लोवेस्ट पोजीशन पे है। कहाँ पे है, लोवेस्ट पोजीशन पे है, यस। तो ये फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे इधर कि ये एक्सप्रेशन टेंशन का कहाँ पे है, लोवेस्ट पोजीशन पे। और देखो बेटा मैं आपको पहले बता दूँ कि ये मैक्सिमम टेंशन होता है उस स्ट्रिंग में का जब बॉडी कहाँ पे होती है, लोवेस्ट पोजीशन पे। तो वो सेंटेंस हम यहाँ मेंशन करेंगे इधर मेंशन करेंगे कि दिस इज द हाईएस्ट या मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में का बेटा मैक्सिमम टेंशन होता है कब, जब बॉडी लोवेस्ट पोजीशन पे है। और ये टी एल और वी एल मेंशन कर लेंगे, टी एल कौन है बेटा, टी एल ये है टेंशन इन स्ट्रिंग एट लोवेस्ट पोजीशन। हाँ, और वी एल कौन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी स्पीड ऑफ बॉडी एट लोवेस्ट पोजीशन। हो गया बेटा ये, ओके। अब दूसरा अब ये मिडल फाइंड करेंगे तो यही टेंशन एट मिडल को ही बेटा हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन एम मिडल पोजीशन यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ओके, तो फिर से फ्रॉम वन क्या हमारे पास था, ये पी पोजीशन पे, तो वही हम लिखेंगे कि फ्रॉम वन। हाँ, टी का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, यही एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थ्रीटा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थ्रीटा। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए बेटा ये लोवेस्ट से मिडल पे आया तो मुझे एंगल बताइए बरा, एंगल कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री, यस। तो यहाँ बेटा थ्रीटा जो रहता है वो 90 डिग्री, तो अभी मिडल पे है तो टी के जगह कौन काम करेगा बेटा, टी एम। तो टी के जगह टी एम, ओके, ये एम। वी के जगह वी एम स्क्वेयर वैसे ही अपॉन आर,
वीएम यानी बताया मैंने जब बॉडी, वीएम यानी वेलो स्पीड, वीएम मींस वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट मिडल पोजीशन, और टीएम यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मिडल पोजीशन, और ये लोवेस्ट से मिडल पे आए इसलिए एंगल बेटा ये देखो एंगल 90, तो थीटा 90, तो टी के जगह टीएम, वी के जगह वीएम, हाँ, और ये बेटा एमजी कॉस थीटा यानी कितना 90, ओके। लेकिन ये कॉस 90 बताइए, कॉस 90 यानी कितना होता है बेटा, कॉस 90 यानी होता है जीरो, यस। तो रखिए फिर, तो ये आ गया बेटा टीएम इक्वल टू यम वीएम स्क्वायर अपॉन आर प्लस ये एमजी और कॉस 90 यानी जीरो, तो टीएम इक्वल टू एम वीएम स्क्वायर अपॉन आर ये प्लस एमजी इंटू जीरो यानी जीरो, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिला बेटा, हाँ ये एक्सप्रेशन मिला कहाँ पे, मिडल पोजीशन पे। मिडल पोजीशन पे स्ट्रिंग में का टेंशन जो है वो इतना रहता है बेटा यम वी एम स्क्वेयर अपॉन आर, यम यानी मास ऑफ द बॉडी, वी एम यानी स्पीड ऑफ द बॉडी एट पोजीशन यम, एंड आर यानी रेडियस, दूसरा हो गया। एक तीसरा रह गया बेटा हाईएस्ट पोजीशन पे, तो वो अब वो आएगा तीसरा, ये पहला हो गया बेटा, ये दूसरा और ये अभी तीसरा हाईएस्ट पोजीशन पे। तो देखो ये टेंशन, टेंशन एट एट हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन एच, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन, ओके। तो फिर से फ्रॉम वन, वो जो हमारे पास इक्वेशन वन है यानी पी पोजीशन पे टेंशन, तो फ्रॉम वन क्या है हमारे पास टेंशन, टी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थ्रीटा, है ना। तभी लोवेस्ट से कहाँ पहुँचा बेटा, हाईएस्ट पे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल टोटल, ये एंगल कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री हो गया, यस 180 डिग्री। तो अभी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो टी के जगह आएगा टी एच, टी के जगह टी एच, टी के जगह टी एच, और उसके पहले यहाँ हम मेंशन कर लेंगे बेटा, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि टी एम और वी एम क्या है, तो इधर मेंशन कर लेंगे लगे तो हम टी एम, टी एम यानी क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग, ओके एट मिडल पोजीशन, ओके ये मेंशन कर लेंगे, और वी एम यानी स्पीड ऑफ बॉडी एट मिडल पोजीशन, हाँ ये रह गया था इसलिए मेंशन कर दिया, ओके ठीक है। हाँ वापस बेटा यहाँ पे टी के जगह टी एच यम वैसा ही, वी के जगह वी एच स्क्वेयर वैसे ही अपॉन आर प्लस यम जी और कॉस थ्रीटा यानी बेटा 180 डिग्री, इधर मेंशन कर लेंगे कि भाई थ्रीटा कितना है, तो 180 डिग्री, तो ये बेटा कॉस थ्रीटा, कॉस थ्रीटा यानी कॉस 180 डिग्री कितना, ये होता है बेटा माइनस वन, कितना होता है माइनस वन, माइनस वन, ओके ओके ओके। तो अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये देखो तो टी एच इक्वल टू यम ये वी एच स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी और कॉस 180 यानी बेटा माइनस वन हमने रखा, माइनस वन रखा, ओके ओके ओके, ये हमने इरेज कर दिया, इरेज कर दिया बेटा इसको, ओके। हाँ तो ये क्या बना फिर बेटा हमें बताओ, तो ये आ गया बेटा टी एच इक्वल टू यम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर प्लस इंटू माइनस माइनस और ये एम जी, ये आ गया बेटा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये जो एक्सप्रेशन है बेटा दिस, ये एक्सप्रेशन है स्ट्रिंग में का टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, और ये लोवेस्ट, सबसे बेटा लोवेस्ट यानी मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस है, और पहले इसमें देखो जब हमने लोवेस्ट फाइंड किया था तो यहाँ क्या था प्लस था, तो वो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहती है, और ये यहाँ माइनस होने के कारण ये टेंशन टी एच हाईएस्ट पोजीशन पे
सबसे मिनिमम रहता है बेटा। तो यह हम सेंटेंस मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे कि दिस इज द मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, और ये टी एच और वी एच मेंशन करेंगे। इसमें बेटा टी एच इक्वल टू कौन है बेटा, टी एच, टी एच है टेंशन इन स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पोजीशन। ओके, और ये वी एच कौन है बेटा, वी एच ये स्पीड, स्पीड, स्पीड ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पोजीशन। हाँ, तो ये आ गया बेटा। तो आप मुझे बताइए, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अभी इस आर्टिकल में हमने क्या फाइंड किया बेटा? तो हमने देखो फोर पोजीशंस पे टेंशन फाइंड किया, स्ट्रिंग में का टेंशन, यानी वो बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रही है ना, तो स्ट्रिंग में टेंशन तैयार हो रहा है, उस स्ट्रिंग में यानी दोरे में टेंशन तैयार हो रहा है। तो पहले हमने टेंशन एट एनी पोजीशन पी फाइंड किया, कितना है बेटा वो टेंशन, टी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा पहला। और फिर हमने क्या कहा फाइंड किया, लोएस्ट पोजीशन पे, मिडल पोजीशन पे और हाईएस्ट पोजीशन पे। तो लोएस्ट पोजीशन पे हमने फाइंड किया था बेटा, लोएस्ट पोजीशन पे तो क्या आया था, वो आया था टी एल इक्वल टू एम वी एल स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी, और ये मैक्सिमम वैल्यू थी बेटा टेंशन की। हाँ, फिर हमने मिडल पे फाइंड किया था, ये देखो मिडल पे तो आई थी टी एम इक्वल टू एम वी एम स्क्वेयर अपॉन आर। और फिर हमने हाईएस्ट पोजीशन पे फाइंड की थी, वो सबसे मिनिमम होती है, कितनी होती है, टी एच इक्वल टू एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी। तो ये जो माइनस के फॉर्म में होती है सबसे मिनिमम वैल्यू रहती है, ये देखो माइनस, और जो पहली है प्लस के इसमें वो मैक्सिमम होती है। तो लोवेस्ट पोजीशन पे ख्याल में रखिए टेंशन स्ट्रिंग में का सबसे ज़्यादा होता है, और हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो देखो हमने फोर पोजीशंस पे स्ट्रिंग में का टेंशन फाइंड किया, जब वो बॉडी या पार्टिकल कहाँ घूम रहा था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। यस, ओके बेटा, यस। सो प्लीज प्लीज बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप एक ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं, और मेरे जो भी नए नए वीडियोज़ है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। ये सभी बेटा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, और इतना डिटेल में आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। थैंक यू।